तो देखिए हम यहाँ इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं जनता का मिजाज समझने के लिए, और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनका भी मूड भांपने की कोशिश हम करते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? जी हम छिंदवाड़ा से हैं। आप सभी लोग छिंदवाड़ा से हैं? हाँ, हाँ, छिंदवाड़ा। क्या नाम है काकी आपका? रखिया। रखिया, अच्छा कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा ये बताइए कि कितने साल से छिंदवाड़ा में रहती है? गांव के हैं ये, प्रॉपर गांव के रहने वाले हैं। हाँ, अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, डूब क्षेत्र में हैं, कुछ रोजगार नहीं था वहाँ पे तो यहीं शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, कितना बदला है छिंदवाड़ा? ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत है, बदला हुआ है। अच्छा, क्या क्या है? बहुत सी चीजें हैं, रोड अच्छी हैं, बाकी जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। कहाँ रहते हैं आप लोग? जी हम लोग कुसमेली से हैं, कुसमेली टेकड़ी से हैं। वार्ड नंबर 16 से हैं। अच्छा, अब चुनाव होने वाला है, अब की बार महिलाओं पर ज्यादा फोकस रहता है हर पार्टी का, है ना, कि महिला वोटर्स हमें वोट दे, हर पार्टी कोशिश करती है। लगता है कि महिलाओं को फायदा होता है? अब फायदा क्या है, जो सबको फायदा वो हमको ही फायदा होगा, और क्या। काकी खुश है, काम वाम हो रहा है? काम कुछ नहीं है, बैठे वहाँ है हम। हाँ। बेकार से नहीं है काम को अपनो, बैठे हैं, बनी नहीं, रोजगार नहीं, कुछ नहीं है वहाँ। अच्छा, ऐसा है। तो यहाँ काम के लिए आई है? अरे काम के, रोजगार ही नहीं है तो काहे के लिए। ऐसे घूमने आए थे, किसी ने बोला था कि चलो वहाँ बैठना करके। घूमने के आए हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है, कुछ काम आगे होगा नहीं होगा? अब होएगा नहीं, अपन कैसे कह दें, अब हो रहा नहीं हो रहा होएगा, क्यों नहीं होएगा? होएगा, होएगा, होएगा ना, काम क्यों नहीं होएगा? जब सबकी एक संगठन रहेगी तो होएगा ही ना काम तो। अच्छा, यहाँ अयोध्या की बात होती है क्या? हाँ होती है, होती है ना। क्या बात होती है? होती है चर्चा, मतलब कि वहाँ पे गए हैं यहाँ के और आए हैं, हम भी पहुँच गए वहाँ पे और आ भी गए। दर्शन किया आपने? हाँ दर्शन किए हमने। कैसा लगा? हमको अच्छा लगा। हाँ। अच्छा लगा हमको। अच्छा। हाँ तो अब जो अयोध्या की आपने दर्शन किया, रौनक देखी। हाँ। तो अब आने वाली सरकार से उम्मीद है कुछ, क्या करेगी सरकार? अब ये तो नहीं मालूम हमको, क्योंकि हम क्या बता सकते हैं। अच्छा, फिल्में देखती है क्या? जी देखते हैं। कौन पसंद है? पसंद तो शाहरुख खान है। शाहरुख खान पसंद है। कौन सी फिल्म देखी थी लास्ट? लास्ट क्या बोले हैं, तो अभी तो नई पिक्चर है, उसका नाम नहीं आ रहा, हमने अभी नई पिक्चर देखी शाहरुख खान की, जवान या पठान? जवान। अच्छा जवान। आपको पसंद है शाहरुख खान? हाँ है ना, पसंद है। सनी देओल भी पसंद है, बहुत सारे। सनी देओल पसंद है। काकी आपको कौन पसंद है? अपने क्या तो सब रही अच्छे भाई। अच्छा नेताजी कौन से पसंद है? मोदी। शर्माइए मत, बोले कैमरे की तरफ देखिए। मोदी है अपन के तो पसंद। मोदी जी पसंद है हमें। क्यों पसंद है? क्योंकि वो काम अच्छा कर रहे हैं, बेरोजगारी मतलब बहुत से चीजें कर रहे हैं। अभी हम तो यहाँ हैं तो मतलब काफी उतना वो नहीं है सुधार, बाकी बहुत सी हमारे साथ मतलब सुविधा दे रहे हैं मोदी जी। अच्छा जी। अच्छा लेकिन कहते हैं कि छिंदवाड़ा में तो कमलनाथ का सिक्का चलता है। हाँ चलता है बहुत, मतलब यहाँ से तो वो कोई जीते नहीं पाते उनके अलावा। हाँ। सारे लोग उन्हीं को मतलब करते हैं और चाहते भी हैं उनको, और उन्होंने विकास भी किया है गांव का बहुत पहले, तो आज भी उनको मानते हैं। अच्छा जो दूसरी पार्टी के नेता चुनाव के वक्त में अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उनको लेकर क्या चलता है मन में? ये तो शायद वो गलत करते हैं, कहना चाहिए साथ छोड़ रहे हैं उनका, कुल मिला के गलत कर रहे हैं वो ये सब। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है। वहाँ देखो कैमरे में, देखो चाची कैमरे में आओगी आप। महंगाई तो है। हाँ। अब यदि सुविधा दे रही है तो बदले में हमसे महंगा भी, हर सामान महंगा भी कर रही है। तो आपको सुविधा चाहिए चाहे महंगी मिले? हम तो कहते हैं हमको सुविधा ना मिले पर सामान महंगा ना मिले। हाँ। ये चीजें हैं हमारे, महंगाई ना हो, महंगाई कम से कम ही हो। और मैं तो रहने वाली बारे बरियारी से हूँ, वहाँ पे किसी ने भी विकास नहीं किया है आज तक, सबने ये आश्वासन दिया है कि आप। रूप क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ मैं, वहाँ पे लोगों ने कहा कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कई बार कलेक्टर सर भी आए लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, विकास नहीं कर पा रही है कोई भी गवर्नमेंट, गाँव तक विकास नहीं पहुँच पा रहा है, नहीं हो पा रहा। बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई गाँव में? गाँव में होती है पर पढ़ाई तो क्या होती है, अब आपको भी पता सरकारी स्कूलों में। तो भाई कहना इनका ये है कि हमें सुविधा ना मिले लेकिन जो सामान महंगा है वो महंगा ना हो, क्योंकि सुविधा के नाम पर जो महंगाई महंगी कीमत वसूली जा रही है वो बहुत ज्यादा है, और
आम जनता जो है जो निम्न वर्ग से आती है उन पर उसका बोझ बहुत ज्यादा पड़ रहा है। आप कहाँ से चाचा? पूरे गाँव। अच्छा, ये बताइए कि क्या चल रहा है आजकल यहाँ प्रदेश में, आपके जिला में? महंगाई ज्यादा है। महंगाई है। और रोजगार? रोजगार क्या करता है, सब महंगाई है। अरे चुनाव का माहौल फील हो रहा है आपको? चुनाव का माहौल फील हो रहा है? हाँ, हो रहा है। कैसा लग रहा है? बंटी साहब आ रहे हैं, गहमा गहमी है, भीड़ आ रही है, नेता आ रहे हैं। आ रहे हैं, बंटी साहब जीत रहा है। तो ऐसे ही हम हर गली चौराहे नुक्कड़ मोहल्ले में घूम घूम कर जनता के बीच पहुंच कर आप तक जनता के मन की बात पहुंचाते रहेंगे। क्योंकि देखिए, बहुत हमने बातें सुन ली हैं, वादे सुन लिए, दावे सुन लिए, लेकिन ये एक ऐसा समय है जब नेता लोग भी जनता की चौखट तक पहुंच जाते हैं उनका मन टटोलने के लिए, उनके वोट की आस लिए। देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।